हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खान पान की इन 6 आदतों को अपनाने के बारे में। क्या खान पान की इन 6 आदतों को अपनाने से आप दुरुस्त रह सकते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, अच्छी सेहत के लिए हेल्दी डाइट अहम भूमिका निभाती है। यहाँ हेल्दी डाइट का मतलब केवल इतना नहीं है कि आप खाते पीते क्या हैं, बल्कि यह भी है कि आप किस तरह से और कब खाते हैं, यानी खान पान को लेकर आपकी आदतें किस तरह की हैं। यहाँ मैं आपको 6 ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप सेहतमंद रहेंगे। नंबर 1, डिनर में प्रोटीन ज़्यादा लें। रोटी चावल कम, खिचड़ी बेहतर ऑप्शन। डिनर में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, यानी रोटी और चावल की तुलना में दालें, पनीर, टोफू, उबले हुए चने, अंकुरित मूंग आदि होने चाहिए। खिचड़ी एक बेहतर विकल्प है। डिनर में यह भी सुनिश्चित करें कि इसका एक तिहाई हिस्सा सैलड हो। मांसाहारी लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में मछली और चिकन को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, फल सुबह के समय खाएं। पोषक तत्वों को एब्जर्व करने में मदद मिलेगी। फल खाना तो फायदेमंद है ही, लेकिन इन्हें किस समय खाएं यह भी मायने रखता है। फल खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का समय माना जाता है, जब पेट लगभग खाली होता है। हालांकि एकदम खाली पेट भी ना खाएं। फलों में पाचन के लिए जरूरी एंजाइम होते हैं। अगर फल सुबह के समय खाएंगे तो वे बाद में लिए जाने वाले भोजन के पोषक तत्वों को एब्जर्व करने में मदद करेंगे। नंबर 3, बदल बदल कर खाएं तेल। इससे सभी जरूरी फैट बॉडी को मिलते रहेंगे। तेल में 3 तरह के फैट पाए जाते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। किसी तेल में कोई ज़्यादा रहता है तो किसी में कोई कम। तीनों ही फैट की एक निश्चित मात्रा हमारे लिए जरूरी है, ना एक सीमा से ज़्यादा ना ही बहुत कम। इसलिए तेलों को बदल बदल कर खाना चाहिए। इससे तीनों फैट हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं और उनकी अधिकता भी नहीं होती। नंबर 4, थोड़ा थोड़ा और बार बार खाएं। दिन भर के भोजन को 5-6 हिस्सों में बांटें। कई लोग दिन में केवल 2 बार खाते हैं, लंच और डिनर। बेहतर होगा कि आप दिन भर के अपने भोजन को 5-6 हिस्सों में बांटकर खाएं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा 3 छोटे छोटे स्नैक्स भी लें। इससे न केवल जंक फूड से बचा जा सकता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर मोटापे को भी कम किया जा सकता है। नंबर 5, चाय कॉफ़ी में शुगर ना लें। सबसे ज़्यादा शुगर इसी के जरिए लेते हैं। मोटापे की सबसे बड़ी वजह शक्कर है। चूंकि हम में से अधिकांश लोग दिन भर में कई बार चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, ऐसे में चाय या कॉफ़ी के जरिए ही सबसे ज़्यादा शक्कर हमारी बॉडी में जाती है। इसलिए हम कम से कम चाय या कॉफ़ी में ही शक्कर को पूरी तरह से अवॉइड कर दें तो एक्स्ट्रा शुगर इनटेक से काफ़ी हद तक बचा जाएगा। नंबर 6, तेल का दोबारा इस्तेमाल ना करें। ऐसा तेल दिल को पहुंचाएगा नुकसान। एक बार तलने के लिए इस्तेमाल किए गए तेल को दोबारा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर यह तेल ट्रांसफैट में बदल जाता है। ट्रांसफैट खाकर हमारे दिल के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। घर में अक्सर डीप फ्राई चीज़ें तलने के लिए छोटी और गहरी कढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे तेल कम बचेगा। फ्रेंड्स, खान पान की इन 6 आदतों को अपनाएं और हमेशा हेल्दी रहें। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब।
ओके बाय बाय।